हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हैं और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आने वाले हफ्ते आपके रिश्ते में क्या होने वाला है। अगले 7 दिन टॉपिक होगा, अगले 7 दिन क्या होने वाला है। अगले 7 दिन देखने की कोशिश करते हैं। इंद्र समय बताइए। ओ माई गुडनेस, पहला कार्ड द लवर्स, बहुत खुशी हो रही है हमें देख के। टेन ऑफ वॉन्ड्स, गजब का अट्रैक्शन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, छा रहे हो आप, छा गए हो। नाइट ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ कॉइन्स यहाँ पे आ गया है। एट ऑफ कॉइन्स, बहुत ही प्यारा कार्ड। ठीक है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, रीडिंग अगर अच्छी लग रही है तो। पहली बार अगर आप चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक है, देखकर ज़रूर जाइएगा। अपने पर्सन का नाम लेते रहो। अगले सात दिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं मुझे इसकी उम्मीद थी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आएगा, वो आ गया। कॉइन्स भी आया है यहाँ पे। ओ माय गॉड, द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, बहुत ही शानदार यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी रीडिंग। द फूल का कार्ड है। तुम आए तो आया मुझे यार, गली में आजा निकला। ओके, देखो बताते हैं आपको क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग जो होने वाली है अगले 7 दिन में क्या होगा। यहाँ पे एक चीज़ साफ हो गई है, साफ मैं बता दूँ, अगले 7 दिन में ऐसा लग रहा है कि कोई तो रोक लो, ठीक है, क्योंकि कोई भी नहीं है रोकने वाला आपके पर्सन को। यहाँ पे कुछ गज़ब की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, गज़ब का है दिन। देखो ज़रा, ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर, आपके चारों तरफ कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पे आप जहाँ भी जा रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, वो काम बने बिना रह नहीं पाएगा। आप देखो, एक टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है, आपने ऐसा भी महसूस किया अपनी लाइफ में कि बना बनाया काम बिगड़ा है आपका, और जिसकी वजह से आपने अपने ऊपर से बिल्कुल विश्वास खो दिया था। लेकिन जिस तरीके से आप खुद पर ध्यान दे रहे हो काफ़ी दिनों से, मुझे लगता है समथिंग रिलेटेड टू फ्लावर। हो सकता है आपने अपने घर में लाइटिंग चेंज कराई है, कहीं से कुछ लाइट्स का भी मुझे दिखाई दे रहा है, और उससे आपके घर में बहुत फ़र्क पड़ा है। आप में से बहुत लोग हो सकता है ऑनलाइन क्रिस्टल्स देख रहे हो लेने की, ठीक है, एमिथिस्ट हो सकता है, या फिर ये एडवेंचरीन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, लैपिस लजूली हो सकता है, ठीक है, सिट्रिन हो सकता है, कोई सा भी अगर आप क्रिस्टल देख रहे हो, रोज़ क्वार्ट्ज़ देख रहे हो, टाइगर्स आई देख रहे हो, टर्मलिन देख रहे हो, तो आप कोई भी जो क्रिस्टल देख रहे हो वो लीजिए, क्योंकि एंजल्स का यही मैसेज है कि अगर आप क्रिस्टल्स लेंगे तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। डेफिनेटली उससे आपको बिल्कुल फ़ायदा होने वाला है, फ़र्क पड़ने वाला है। एक चीज़ और, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स को मूनस्टोन बहुत पसंद है, या तो उनके पास है या तो फिर वो लेने की सोच रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है अगले 7 डेज में, मुझे लग रहा है कि आपको ना, देखो पहले ये था कि आपको लोगों के जजमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता था, कोई क्या कह रहा है आपके बारे में, आप बहुत डरते थे, पता है, कोई आपके बारे में कुछ बोल दे जो सच ना हो, ठीक है, और वो चीज़ ना आपके कान में हमेशा गूंजती रही है। उस चीज़ ने आपको बहुत परेशान भी किया है। तो मुझे लगता है कि अगले 7 डेज में न जाने क्यों आप अभी भी उस चीज़ से जूझ रहे हो, किसी की बातें आपको बार बार याद आ रही है, पर अगले 7 डेज में वो एनर्जी पूरी तरीके से क्लियर हो के आपके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ भी हो रहा है बाहर, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इंटरनली खुद पर, इंटरनल हैप्पीनेस में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आपके पर्सन की एनर्जी मैं बताऊं तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी है लवर्स और टू ऑफ कप्स। देख लो, देखकर हैरान हो जाओगे, ये पर्सन आपको बेतहाशा प्यार करने वाले हैं। देख लो, बेतहाशा यहाँ पे प्यार मुझे नज़र आ रहा है। इसका मतलब साफ है, इस पर्सन को ना एक गज़ब का अट्रैक्शन होने वाला है आपकी तरफ से। एक बार मुझे ऐसा लगता है कि आपके ना सामने सामने मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और यहाँ पे पता है क्या दिखाई दे रहा है, आपको देख के ये पर्सन अपना कंट्रोल खो देने वाले हैं
ऑलरेडी खो चुके हैं, कंट्रोल तो इन पे है ही नहीं। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ पे भी मिलोगे ना वो पब्लिक प्लेस होगा और आपको इस बात की भी कोई परवाह नहीं होने वाली है कि आपके आसपास कौन है। यहाँ पे एक चीज़ और, आपके घर वालों में से या उनके घर वालों में से कोई तो ऐसा है जो आप दोनों के बारे में जानते हैं और हो सकता है वो भी उनके साथ आए हों और वो भी आपको इस कदर प्यार में देख कर खुश हो जाएँ। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ये जो आपके पर्सन है ना वो आपसे मिलने के लिए, रीयूनियन करने के लिए इस कदर बेकरार है कि अगर आप इनके सामने आके लड़ते भी हो, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है अगले 7 दिन में आपकी एक लड़ाई होने वाली है, लड़ाई होने वाली है डेफिनेटली। मैं कह रही हूँ अगर आपके पर्सन का आपको मैसेज आता है, हो सकता है वो जानबूझ के कुछ ऐसा लिखें जिससे आप प्रवोक हो जाओ, मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, ये जानबूझ के कुछ ऐसा लिखेंगे, इनको पता है कि आप इस बात पर रिएक्ट ज़रूर करोगे, या तो कोई इल्ज़ाम लगा देंगे या तो कुछ ऐसा बोल देंगे कि आपको गुस्सा आए और आप फिर जवाब तो दोगे तो आपसे रिप्लाई लेने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे बोलेंगे जिससे आपको बुरा लगे, ताकि आप जवाब दो और वहीं से बात शुरू हो। तो इस टाइप की अनबन मुझे नज़र आ रही है, लेकिन ये कन्वर्जेशन ख़त्म होते होते ये पर्सन आपसे कुछ ऐसी बातें बोल देंगे, यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, दोनों ही या तो रो पड़ोगे या तो ऐसे होगा कि दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा दूरियां मिट चुकी होंगी कि आप दोनों एकदम से रियल हो जाओगे, फिर लड़ाई झगड़ा ख़त्म। आप हो सकता है इनको बोल दो बात बात में कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया और ये इंतज़ार अभी भी मेरे से होता नहीं है, या तो तुम वापस आ जाओ या तो फिर हमेशा के लिए चले जाओ। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप इसी एनर्जी में हो। यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइंस भी आ रहा है, 8 ऑफ कॉइंस आ रहा है, इसका मतलब साफ है आपके जो पर्सन है ना, हो सकता है अगर आप फाइनेंशियली ठीक नहीं हो रहा है कुछ भी, या फाइनेंशियली आपको किसी चीज़ की नीड है, आपको हर तरफ से ये हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में बहुत अबंडेंस दिखाई दे रही है। और द फूल का कार्ड आने का मतलब ये है कि ये पर्सन हर तरीके से आपके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार है। पहले पहले मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको इस पर्सन से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशूज़ थे, तो अगर आप उस दिन बोलोगे भी ना कि मुझे ये स्क्रीनशॉट दिखाओ, तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये पर्सन ऑलरेडी वाकिफ़ है आपको किन किन चीज़ों से प्रॉब्लम है, तो आपकी प्रॉब्लम्स भी दूर करने के लिए ये आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। और एक चीज़ मुझे और यहाँ पे नज़र आ रही है, अगले 7 डेज़ में समथिंग रिलेटेड टू लव, ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू रोज़, मुझे ऐसा लगता है रोज़ से कुछ रिलेटेड है, या तो रोज़ लेके आ रहे हैं, या तो आप रोज़ लेके आए हो, या रोज़ लाने का सोच रहे हो, या आपके घर में नकली रोज़ेस भी है, इससे साफ पता चल रहा है यू आर द अट्रैक्टर ऑफ लव। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेपरेशन है तो आप प्यार करने के लायक नहीं हो, नहीं, आपको देखते ही बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि क्या इनके लाइफ में कोई स्पेशल पर्सन है, अगर नहीं है तो क्या वो स्पेशल पर्सन मैं बन सकता हूँ या मैं बन सकती हूँ, क्योंकि आपको बहुत लोगों ने बोला नहीं है तो आप विश्वास नहीं कर रहे हो। द वर्ल्ड का कार्ड ये है कि आपको बहुत लोग लाइक करते हैं, मेरे व्यूअर्स की बात कर रही हो, पर हो सकता है लोग बोल नहीं पाते हैं क्योंकि द क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, द 10 ऑफ वॉन्ट्स, गजब की एनर्जी, गजब का ऑरा, गजब का अट्रैक्शन, ये मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रही हूँ, ये मत बोलिएगा कि मैम लड़कों की भी रीडिंग करिए, मैंने कमेंट सेक्शन में आपको बता दिया है रीडिंग जो है टाइमलेस होगी, जब भी देख रहे हो या आपकी एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी है। दूसरी रीडिंग जो होती है जेंडरलेस होती है, मेल फीमेल दोनों के लिए। तीसरी बात, यहाँ पे सारे जोडियक साइन मौजूद है आपके लिए, मैं कुछ कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ, ठीक है, देख लेते हैं, बाकी तो सारे ही जोडियक साइन यहाँ पे मौजूद है, इसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, अभी तक बने हुए हो तो जल्दी से लाइक कर दो। कैंसर, स्कॉर्पियो, ओ माय गुडनेस, व्हाट अ साइन, दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग, इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड, दिस एनर्जी इज इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल, मैग्नेटिकली चार्मिंग एंड ऑल्सो सीक्रेटिव एंड पोजेसिव। देख लीजिए जो भी बोला वो सारा कुछ आ गया, यहाँ पे फायर साइन भी हैं, प्लस यहाँ पे वाटर साइन भी हैं और बाकी साइन भी हैं, प्लस यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके, सीक्रेटिव है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, जो मैग्नेटिक ऑरा है आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं। मैंने बोला ये आएंगे तो किसी को लेके आएंगे साथ में, फैमिली यहाँ पे इन्वॉल्व है मुझे दिखाई दे रहा है, इस बार जो रियूनियन होने वाला है उसमें आपकी फैमिली इन्वॉल्व है, पक्का इन्वॉल्व है, मदर एंड अ चाइल्ड, ठीक है, आपके पर्सन बहुत दिन से चाह रहे हैं ये सब, आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना। एक चीज़ और भी है, ये पर्सन आपके लिए बहुत पॉजेसिव है,
बिल्कुल मैं बता दूँ, ये बहुत पॉजिटिव है। हो सकता है अगर आप पब्लिक प्लेस पे मिलोगे और अगर आपको कोई उस टाइम देख रहा है या फिर आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है या आप दोनों को देख रहा है, इस पर्सन से रहा नहीं जाएगा, ये पर्सन कुछ ना कुछ बोलेंगे ज़रूर। साफ मैं बता दूँ, ओ माई गॉड, कार्ड्स गिर गए। यू इंस्पायर मी, आप इनकी प्रेरणा हो। जब भी देखते हैं तब मन करता है बात करना है। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, ये थक चुके हैं आपके लिए रो रो के, ये थक चुके हैं आपका इंतज़ार कर करके, ये थक चुके हैं आपसे बात करने के लिए मर मर के, चाहते हैं आई फॉरगिव यू। आई फॉरगिव यू ये क्यों बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हो सकता है जब आप दोनों के बीच में कुछ अनबन हुई हो, आपने कुछ ऐसे बोल दिया हो जो इनको पसंद नहीं आया हो, तब से वो चीज़ इनके दिल में कड़वाहट भर रही है। तो ये कह रहा है फॉरगिव यू, लेट मी परस्यू यू, मुझे एक बार मौका तो दो। ये आपसे एक मौका मांग रहे हैं, मिलकर हो सकता है, रियूनियन के टाइम पर हो सकता है, ये आपसे एक मौका मांगे कि मुझे एक मौका तो दो प्रूव करने का, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगा या बताऊँगी कि किस कदर मेरे दिल में तुम्हारे लिए आज भी प्यार है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग है, देख के ज़रूर जाइएगा। इस रीडिंग को प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड बाय।